डोगरा स्वाभिमान संगठन से ताल्लुक रखने वाले कुछ नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर उनको नकार रहे हैं उनकी मौजूदगी को। वो कह रहे हैं कि कल आप कहाँ थे और आज आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। तो यहाँ पर क्लैशेस जो है वो शुरू हो चुके हैं, लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। और कुछ ही देर पहले जो है वो डोगरा स्वाभिमान संगठन से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पर आए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद नारे से नहीं बर्दाश्त करने, ये जरा युवा इतने है बिल्कुल ठीक है। अस इतने करने डोगरा स्वाभिमान संगठन कोई पॉलिटिक मसला नहीं है भैया, कोई पॉलिटिक मसला नहीं है, नहीं नहीं होगा, पॉलिटिक्स नहीं बनाएंगे, पॉलिटिक्स नहीं आएगी इसमें, पॉलिटिक्स इसमें नहीं आएगी। अंदर जब बैठेंगे अकेले नहीं, चौधरी लाल सिंह चाहिए, चौधरी लाल सिंह जी आएंगे, एक मिनट रविंदर रैना जी भी आएंगे। देखिए ये कल से कहा थे, कल से कहा थे, कल इतना नहीं थे लड़कों के साथ थे जो आज हुआ है, कल दोबारा हुआ था, इसलिए हम आए नहीं। आज ये धक्का मिक्की हो रही है, ये जज्बात में है सर, ये बार बार ये बोल रहे हैं कि अगर आप डोगरों की बात करते हैं, डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाएगा तो नेता यहाँ पर क्यों नहीं। नेता आपके सामने खड़े हैं ना, आया हूँ ना मैं, क्या मैं स्टेट सेक्रेटरी हूँ और मैं इनके साथ हूँ, पूरे जम्मू के डोगरों के साथ हूँ। इधर इनको पाकिस्तान के झंडे जलाने चाहिए और यहाँ पर पॉलिटिसाइज नहीं करना है। कुछ लोग यहाँ पॉलिटिसाइज करने की कोशिश, पॉलिटिसाइज नहीं होगा ये इशू, पॉलिटिसाइज नहीं होगा। अगर वहाँ उमर अब्दुल्ला उनके आता है बोलते हैं तो मैं ट्वीट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा जम्मू का लड़का ट्वीट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद के नारे। जब आपको इस तरह से यहाँ पर लोगों का गुस्सा सहना पड़ेगा तो आपको नहीं लगता कि इनको आपसे ही सबसे बड़ी उम्मीद थी? इनको गुस्सा नहीं है, ये इनका प्यार है, इनका प्यार है हमारे लिए, गुस्सा नहीं है। इनके साथ किसी ने नहीं दिया है, कल लड़के इंजर्ड है, कल के लड़के इंजर्ड है, कोई नहीं आया है, ठीक है। और हाँ, हमें नहीं पता है किसी का और कौन सी पार्टी से कौन है, मैं यहाँ पर एक डोगरे की कैपेसिटी में आया हूँ। यही आपकी जो बात है, आपने कहा डोगरास को आप रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये सभी बच्चे जम्मू के हैं सर। जम्मू की बात कर रहा हूँ मैं, जम्मू रीजन की बात कर रहा हूँ, जम्मू के डोगरे यहाँ पर हमारे जम्मू में आकर के यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद। जम्मू का युवा ही शेर है, जम्मू का युवा ही शेर है, जम्मू का डोगरा ही शेर है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। आप अपनी लड़ाई लड़े, जो शेर मिलने गुस्से हो बुलाओ, आप अपनी लड़ाई लड़े, हम आपके साथ हैं, आप अपनी लड़ाई लड़े, हम आपके साथ बैठने पर आएगा कोई भी कश्मीरी बंदा यहाँ पे मेरे जम्मू के डोगरों को हाथ लगाएगा, विकास तो उसका पहले बात करे। बंद करने की बात करें, लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद चौधरी लाल सिंह की, तो आए हैं ना चौधरी लाल सिंह के स्टेट सेक्रेटरी, मैं आया हूँ ना, पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू में आग लगी है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, कहाँ कहाँ के डोगरे को हम संभालेंगे। अगर ऐसे युवा जो है जज्बात हो रही है, हमें अंदर, हम इनका साथ देना चाहते हैं और वहाँ पर ये चीजें पॉलिटिसाइज नहीं करनी है। कल आपकी सर मौजूदगी, मैं इधर ही हूँ जी, इनके साथ ही बैठा हूँ, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं इधर खाली इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ हूँ शाम तक, जब तक ये लड़के यहाँ है मैं इनके साथ। तो ये आपको दिखा रही थी डोगरा स्वाभिमान संगठन से ताल्लुक रखने वाले नेतागण यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर भारी रोष और विरोध का सामना इनको करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से डोगरा स्वाभिमान संगठन की छवि है, जिस तरह से चौधरी लाल सिंह हमेशा डोगरास की बात करते हैं, तो आज खासा रोष सबके चेहरे पर, इन युवाओं के चेहरे पर, कि आखिरकार चौधरी लाल सिंह की मौजूदगी हमारे साथ क्यों नहीं है। कि आखिरकार जो शख्स हमेशा ये कहता था कि मैं डोगरों की बात करता हूँ, वो आज कहाँ है। और उन्हीं के, अगर हम कहें डोगरा स्वाभिमान संगठन के, इन्होंने कहा हम स्टेट सेक्रेटरी हैं और ये यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बच्चों ने इनकी मौजूदगी नकार दी और बच्चे कह रहे हैं कि हमें वो सभी नेता यहाँ पर हमारे साथ चाहिए जो कहीं ना कहीं जम्मू की आवाज़ बनने की बात करते हैं, लेकिन आज
बच्चों का आरोप है कि इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने के लिए आए हैं, पब्लिसिटी पाने के लिए आए हैं। तो आपको विजुअल दिखा दूं यहाँ पर किस तरह से जो है बच्चे अभी खासे रोष में हैं। बच्चों का ये साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर जो तमाम लीडरशिप है जो कहीं ना कहीं डोगरास की बात करती है, जो कहीं ना कहीं कहती है कि हम रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, वो बच्चे आज ये सवाल कर रहे हैं आखिरकार डोगरास की बात करने वाले, डोगरों में उम्मीदें जगाने वाले तमाम लीडर्स कहाँ हैं। यहाँ पर सवाल उठाए गए रविंदर रैना पे, जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। रविंदर रैना के लिए पूछा गया कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना वो कहाँ है, चौधरी लाल सिंह की मौजूदगी जो है वो यहाँ पर क्यों नहीं है। और तमाम वो लीडर जो जम्मू की बात करते हैं, जम्मू के बच्चों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, आज उनकी कमी जो है यहाँ पर फैल रही है। और सबसे बड़ा सवाल, जब कल ये मुद्दा बना था तो कल ये लोग यहाँ पर क्यों नहीं आए थे और विरोध का सामना जो है यहाँ पर तमाम लीडर्स को करना पड़ा। कुछ देर पहले शिवसेना से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर आए, बजरंग दल से भी ताल्लुक़ रखने वाले। अभी भी आपको दिखा दूँ विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जो है वो जारी है और यहाँ पे चौधरी लाल सिंह की जो मौजूदगी है वो ये लोग चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो सवाल ये भी उठता है कि यहाँ पर क्या ये मुद्दा पॉलिटिसाइज करना जायज़ है या फिर एक्चुअल में इन लोगों को डोगरास की आवाज़ बनना चाहिए, या फिर एक्चुअल में जिस तरह से वोट बटोरे जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन की जाती है, या फिर हम कहें उम्मीदें जगाई जाती हैं जम्मू के डोगरों में। तो आज चौधरी लाल सिंह कहाँ है, इनके पार्टी के तमाम लीडर्स यहाँ पर आए, लेकिन सवाल उठता है कि चौधरी लाल सिंह कहाँ है वो चौधरी लाल सिंह जो हमेशा से डोगरास की बात करते थे। अभी तमाम लीडर्स उन्होंने अपनी पार्टी से या फिर हम कहें अपनी ऑर्गेनाइजेशन से भेजे हैं और उनको यहाँ पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जी, हम साइंस कॉलेज के बाहर के विजुअल आपको दिखाती हुई और आपको ये बता दूं कि यहाँ पर विरोध का सामना तमाम उन नेताओं को करना पड़ रहा है जो कहीं ना कहीं डोगरों की आवाज़ बनते हैं, जो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि हम जम्मू के नेता हैं और हम जम्मू की बात करेंगे। और जिस तरह से कश्मीर की सियासत है, कश्मीर में जो सियासतदान है वो इस मुद्दे पर सियासत करें, इनसे बात करें, क्या कहेंगे कि अभी कुछ लीडर्स यहाँ पर आए हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन के, लेकिन इन स्टूडेंट्स ने नकार दिया है, क्या कहें? ये कल के सोए हुए थे, कल जब यहाँ पर पुलिस कर्मियों ने हमारे भाइयों का लाठीचार्ज किया और मैन पुलिस वालों ने हमारी बहनों उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया, तब ये पुलिस डोगरा स्वाभिमान वाले सोए हुए थे। बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना की जो नेशनलिस्ट होने की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो आज सोए हुए हैं। कहाँ पे हैं? महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, वो हमारा साथ देने की बजाय एंटी स्लोगन देने वालों का साथ दे रहे हैं। उनका ट्विटर उसी टाइम आता है और हमारे जो क्वेश्चन है, हमारी जो जस्टिस जो चाहिए उसके लिए कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। और देखो आज 12 घंटे हो चुके हैं, लेकिन इनका जो अभी तमाम लीडर्स आए थे इनका कहना है कि हम इन बच्चों के साथ हैं। किस लिए साथ है, कहाँ के साथ है? हम कल से कर रहे हैं प्रोटेस्ट, आज आ रहे हैं ये, उनका उसी टाइम हो रहा है एक सेकंड में। और हमारे आज आपको क्या लगता है कि जम्मू की लीडरशिप में शायद कहीं ना कहीं वो एक स्टैंड रखने वाली बात है या नहीं? कौन सा स्टैंड, कहाँ का स्टैंड? ये स्टूडेंट लड़ रहे हैं, कहाँ पे है सब? सोए हुए हैं, अभी तक सोए हुए हैं। कितना टाइम हो चुका है यहाँ पे? एनसी ने अपना स्टैंड दे दिया है कि हम कश्मीर के साथ हैं, लेकिन हमारी बीजेपी पार्टी का है जो दम भरती है, हम जम्मू है, हम जम्मू है। रविंदर रैना आपसे मिलने कम से कम आए तो सही, यहाँ पे कोई वो आया डोगरा सा अपना बयान दिया चले गया, अपनी पार्टी का स्टंट मारा और निकल गया, कहाँ पे बताओ हमें? वो भी भाग गया गाड़ी में बैठ के अपनी पार्टी। जहाँ पर देश की बात आती है वहाँ पर पॉलिटिक्स करना जरूरी है या उन बच्चों के साथ? मसला स्टूडेंट के, स्टूडेंट ही लड़ेंगे, पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये मसला देश, सवाल है मेरा आपसे, जहाँ पर देश की बात आती है, सुनिए जहाँ पर देश की बात आती है, आपको क्या लगता है कि वहाँ पर पॉलिटिक्स करना जरूरी है या हिंदुस्तान का जो फ्यूचर इन बच्चों का साथ देना जरूरी है? बच्चों के साथ हुई हरकत तो बच्चे ही लड़ेंगे, पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं आएगा। और अगर आना भी होता तो तब आते जब ये चीज हुई है, आज आने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। अब बच्चे लड़ रहे हैं तो लड़ेंगे, स्टूडेंट वी वांट जस्टिस, सबसे आगे जो है युवा को किया जाता है, मिनिस्टर लोग पीछे छुपे रहते हैं, वो खाली पॉलिटिक्स के लिए आते आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चों में खासा एक रोष है और उन तमाम लीडर्स के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जो यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे रोड ब्लॉक कर रहे हैं। आपको मैं विजुअल दिखा रही हूँ, बच्चों के द्वारा यहाँ पर रोड जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। ये आप लाइव विजुअल जो है वो जी साइंस कॉलेज के बाहर से देख रहे हैं।
विजुअल्स मैं लाइव दिखा रही हूँ जेजीएम साइंस कॉलेज के बाहर। और यहाँ पर कुछ देर पहले ये भी हुआ है कि डोगरा स्वाभिमान संगठन से ताल्लुक रखने वाले तमाम लीडर्स यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उनकी मौजूदगी को नकार दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि बच्चे जो है जिनके ऊपर उम्मीदें रखते हैं वो बच्चे कहाँ पर जाएंगे? कहाँ थे वो लीडर्स, कहाँ थे वो लोग जो हमेशा से ये कहते थे कि हम जो है आवाज बनते हैं? आप ये देख लीजिए, हिंदुस्तान का तिरंगा और रोड ब्लॉक करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। सामने आपको वीडियोस में दिखा रही हूँ, बच्चे मेटाडोर्स पर भी चढ़ गए और हिंदुस्तान का तिरंगा लहराते हुए, हिंदुस्तान की आन बान शान, हिंदुस्तान का तिरंगा बच्चों के हाथों में। और ये उन बच्चों के हाथों में जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल है, जम्मू कश्मीर का फ्यूचर है। तो ये जम्मू कश्मीर का फ्यूचर है और यही फ्यूचर आपको बताएगा कि क्या जोश है जम्मू के युवाओं में। हाथों में तिरंगा, चेहरे पर रोश, और यही है जम्मू की युवाओं का जोश, जम्मू के छात्रों का जोश। हमेशा से ये कहा जाता है कि आप हमें वोट दीजिए, तमाम लीडर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि तमाम लीडर्स जो हैं वो ये देखिए यहाँ पर भी बच्चे मेटाडोर्स पर चढ़ते हुए और ये दिखा रहे हैं, ये है जोश जम्मू के युवाओं का। हम तिरंगे के साथ हैं, हम हिंदुस्तान के साथ हैं और हम हर उस तत्व के खिलाफ है जो देश के विरोध में आएगा। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि बार बार यहाँ पर मांग की गई कि रविंदर रैना कहाँ है, जो हमेशा ये कहते थे कि हम जो है जम्मू की जनता के साथ हैं। और आप विजुअल्स जीजीएम साइंस कॉलेज के बाहर के देख रहे हैं और बच्चे यहाँ पर आपको दिखा दूँ हिंदुस्तान का तिरंगा यहाँ पर लहराते हुए और ये जोश है जम्मू के छात्रों का, ये जोश है उन बच्चों का जो कहते हैं कि हम देश के साथ हैं और देश के खिलाफ कोई भी आएगा तो उसको जो है हमारा विरोध जो है वो सहना ही पड़ेगा। रोड ब्लॉक करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सामने देखिए जीजीएम साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स मेटाडोर्स के ऊपर चढ़ते और नीचे बिल्कुल पैसेंजर्स हैं और ऊपर स्टूडेंट्स। ये बच्चे ये दिखा रहे हैं कि हम जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर देश के खिलाफ कोई आएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगते हुए और ये छात्रों का दम है, ये छात्रों की ताकत है और बहुत से आंदोलन जो है वो छात्रों ने ही लड़े हैं और देश में बदलाव लाने की कोशिश की है। और एक ये जम्मू के छात्र हैं जो ये बताना चाहते हैं कि हम देश के साथ हैं, देश के हित की बात करते हैं और तमाम उन लीडर से सवाल कर रहे हैं। ये आपको बता दूं कि तमाम उन लीडर से सवाल कर रहे हैं कि आप जम्मू की बात करते हैं, आप नेशनलिज्म की बात करते हैं, लेकिन आज आपकी मौजूदगी नहीं है। तो ये बच्चे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे जो है वो यहाँ पर लगाते हुए कश्मीरी, उन्होंने हमारे पे पत्थर बरसाए, पुलिस ने हमें लाठीचार्ज की, जब हमने भारत माता की जय बोला, क्या भारत माता की जय बोलना शुरू है? पाकिस्तान जिंदाबाद जम्मू में नारे लगाना कहाँ की बात आई है? और लीडर्स पॉलिटिकल लीडर्स कह रहे हैं हम कश्मीरी जम्मू में भी सेफ नहीं, पर स्टूडेंट का उनको देखता जो जिनको जिन पे लाठियाँ हुई है, हमारे 70 स्टूडेंट्स घायल हुए हैं। मैं कल मैं यहाँ पे लड़ रहा था, मैं बिल्कुल साइड में खड़ा था क्योंकि मैं लोगों की सपोर्ट में था, क्योंकि हम नहीं चाहते यहाँ पे आके राजनीति करना, क्योंकि साइंस कॉलेज का स्टूडेंट खुद लड़ेगा और हम इनको पूरी सपोर्ट करेंगे। हम इधर सियासत नहीं करना चाहते, हम यही कहेंगे कि जिन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए उनके ऊपर कैसे लगे नहीं लगता सागर जी, मेरी बात सुनिए। अभी मैंने खुद देखा आप डोगरा स्वाभिमान संगठन से
बीजेपी नो कांग्रेस नो एनसी हम ओनली फॉर डोगरा हिंदू है और हम सब डोगरा है। पहले डोगरा जम्मू की बात होगी उसके बाद पार्टियों की बात होगी। मैं बीजेपी के लोग कहाँ पे, मैम एनसी के कांग्रेस के लोग क्या है, आज यहाँ डोगरा स्वाभिमान संगठन है, किसी पार्टी की नहीं है। हाँ मैम, हाँ मैम, सोशल वर्कर है और आप कहीं ना कहीं मैं हम सब मैम तो एक पर्सनल रिलेशन भी तो होता है मैम, विकास हो मैम, ये जितने लोग हैं जम्मू के डोगरे मैम, अगर इसको कोई यहाँ चाहिए हम सब आएंगे मैम। कल सभी मैम वो थे नहीं थे, पर हमें जो है इस समय डोगरों की लड़ाई लड़नी है, इस समय में तो पॉलिटिकल की बात नहीं करनी, सवाल किया हमने, कहा कि आप उन लीडर्स के साथ आए जो डोगरा स्वाभिमान संगठन से ताल्लुक रखते हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम डोगरे पहले, तो वो डोगरे कल कहाँ थे, वो लीडर्स कहाँ थे और वो लोग कहाँ थे जो जम्मू की आवाज़ बनते हैं। आज रोष है जम्मू के युवाओं में, तो वो रोष जो है वो इसलिए भी है कि आप लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, आप लोग कहते हैं कि हम आपके नुमाइंदे हैं, आप लोग कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, लेकिन जब युवाओं को आपका साथ चाहिए तो आप कहाँ थे। सर क्या कहेंगे बच्चों में जोश है, रोष है, एंटी नेशनल स्लोगन लगाते हैं, ये उसी का नतीजा है, दुखना पड़ेगा। तो एंटी नेशनल स्लोगन जो लगाते हैं ये उसी का नतीजा है और यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। और ये बच्चे जो है यहाँ पर बच्चों के द्वारा रोड ब्लॉक कर दिया गया है, गाड़ियों की आवाजाही पे फिलहाल जो है वो रोक लगी गई है और रुकावट विराम जो है वो गाड़ियों की आवाजाही पर लग चुका है। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने के लिए यहाँ पर सुरक्षा बलों की भी तैनाती कर दी गई है और बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स, कहाँ है चौधरी लाल सिंह, कहाँ है वो लीडर्स जो हमेशा ये कहते थे कि हम डोगरास की आवाज़ बनते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको मैं विजुअल्स जो है जीजीएम साइंस कॉलेज के बाहर के दिखा रही हूँ। ये वो कॉलेज है जहाँ पर ये कहा गया कि एंटी नेशनल स्लोगन जो है वो यहाँ पर लगे और आज बच्चों के चेहरे पर रोष और युवाओं में जोश, ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये ताकत है हमारे जम्मू की, ये वही बच्चे हैं जो फ्यूचर है हमारे जम्मू कश्मीर का और आज वो बच्चे सवाल कर रहे हैं कि कहाँ है वो तमाम लीडर्स जो ये कहते थे कि हम जो है डोगरास की आवाज़ बनते हैं। तो चौधरी लाल सिंह की गैर मौजूदगी इनको खल रही है, रविंदर रैना की गैर मौजूदगी इनको खल रही है और ये लोग यहाँ पर बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि कहाँ है वो तमाम लीडर्स, हालाँकि बच्चों ने इनकी मौजूदगी को पूरी तरह से नकार दिया है। अब बच्चे यहाँ पर रोड ब्लॉक किए हुए हैं, जो गाड़ियों की आवाजाही पर फिलहाल जो है वो विराम लगा हुआ है और यहाँ पर तमाम लीडरशिप को जो है वो नकार रहे हैं। एक मिनट विजुअल्स आपको जीजीएम साइंस कॉलेज के यहाँ से दिखाते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। तो यहाँ पर बच्चे जो है पुलिस जवानों के साथ बातचीत करते हुए, कुछ
कुछ बातचीत इनमें चल रही है और बच्चे जो है वो मारने को जो है वो तैयार नहीं हो रहे। हालांकि मॉब को संभालने के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए थे। तमाम लीडर शिवसेना से जो कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, इनसे बात करें, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं साइंस कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, इसलिए लास्ट ईयर में पढ़ता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ पे परसों से जो ये कल से ये जो मामला चल रहा है, तो जिन हाथों में पेन था उन्होंने जबरदस्ती पत्थर हमें थमाने पे मजबूर कर दिया है, क्योंकि कल जिस हिसाब से मारी, मेरी अभी भी लेग्स इंजर्ड है यहाँ पे और मैंने पट्टी कराई हॉस्पिटल में। तो यहाँ ये कोई रिलीजियस मैटर नहीं है, कोई भी पॉलिटिशियन मैटर नहीं है, दिस इज मैटर फॉर द कंट्री, दिस इज मैटर फॉर द वी आर स्टूडेंट टू बिलोंग साइंस कॉलेज, टू बिलोंग इंडिया। अगर ये आज हमें ये कुछ सिखा रहे हैं कि देश के खिलाफ बोलने से दबा रहे, तो अगर कल को हम ऑफिसर बनेंगे तो तब हम क्या सीखेंगे इनसे, जो हमारी देश के ये जो पॉलिटिशियन है। हम चाहते हैं मैम कि कोई भी यहाँ पे जो भी इन्होंने इस हमारे साथ किया है, तो जल्द से जल्द कॉलेज में इस तरह की एक्टिविटी ना रखा जाए, कोई भी जो कास्ट के ये डिफरेंस ना रखा जाए हमारे कॉलेज में। यहाँ पे मुस्लिम हॉस्टल किया गया है कॉलेज के बाउंड्री के अंदर, ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि कॉलेज में यहाँ पे डिवाइडिज्म क्रिएट होती है। हालांकि हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हालांकि हर ये रिलीजियस की रेस्पेक्ट करते हैं, वी आर रेस्पेक्ट ऑल रिलीजियस विद हार्ट, इवन हिंदू से ज्यादा मेरे ज्यादा मुस्लिम फ्रेंड है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया में रहना है तो इंडिया का नाम लो, ये वो घूम फिरा के बात नहीं करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। इतने मुस्लिम लड़के, हमने किसी को कुछ नहीं बोला, अभी भी ये हमारे साथ है, लेकिन कुछ एंटी नेशनल है, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमेशा युवा ही आगे है और युवा ही आगे आएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये बच्चों का कहना था साफ तौर पर कि एक्शन जो है इन पर लिया गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो देश के हित में बात करते हैं उनके ऊपर एक्शन क्यों? तो ये आपको जीजीएम साइंस कॉलेज के बाहर के विजुअल दिखाती हुई, और यहाँ पर रोड भी ब्लॉक किया गया, यहाँ पर जो जयघोष था वो भारत माता के लिए लगाया गया, भारत माता की जय के नारे भी यहाँ पर लगाए गए, तमाम लीडर से सवाल भी किया गया। जो जम्मू की बात करते हैं और ये कहते हैं एक युवा लीडर सागर प्रधान जो हमारे सवालों से भागते हुए, जब मैंने उनसे कहा कि चौधरी लाल सिंह से ताल्लुक रखने वाले अब तमाम लीडर्स की गाड़ियों से उतरे हैं, तो आप इन बच्चों के साथ कैसे हैं? तो उनका ये कहना था कि कल हम जम्मू बंद की कॉल देंगे। अब देखते हैं कि कहां तक ये बात पुख्ता होती है, कहां तक ये बात जो है वो सच साबित होती है, और कहां तक जम्मू की तमाम लीडरशिप, चाहे रविंदर रैना की बात की जाए या चौधरी लाल सिंह की बात की जाए, वो लीडरशिप कहां पर हरकत में आती, क्योंकि कश्मीर में सियासत जो है वो होना शुरू हो गई है। अब जम्मू की सियासत का क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसे ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े, देखते हैं श्री न्यूज़। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट नूर के साथ मैं रूहानी, आप सब नमस्कार।